तो चैप्टर नाइन इनटेंजिबल एसेट्स। स्टार्ट कर ये तो पूरे ओवरव्यू दिया है इसने पूरे चैप्टर का, इसको तो बाद में देखेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स आईएस है इसका 38, टेंजिबल था आईएस 16 और ये आईएस 38। तो पहले डेफिनेशन ही क्या रखें, नॉन करेंट एसेट्स आर एसेट यूज विद इन द बिजनेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। ये तो नॉन करेंट एसेट की बात सही है। अच्छा आईएस 38 इनटेंजिबल एसेट्स डिफाइंस एन इनटेंजिबल एसेट एज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये लिखा है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट, मतलब आइडेंटिफाई हो सके गुडविल कॉपीराइट्स पेटेंट्स। नॉन मॉनिटरी एसेट इसका मतलब क्या हुआ? पैसों में वैल्यू नहीं। हाँ अब ये नहीं, यहाँ इसका मतलब बताया तो ये लगे नॉन मॉनिटरी मतलब मॉनिटरी वैल्यू कोई ना होना, ऐसा नहीं है। नॉन मॉनिटरी एसेट होते हैं कि जिनकी आप एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ना कर सके, प्रिसाइज वैल्यू, या जिनकी मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, या जो इजीली कैश में कन्वर्ट ना हो सके, तो वो कहलाते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट। जिनके मतलब एक प्रिसाइज वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ना हो सके, या कह लें जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो, या जिनकी जो कैश में इजीली कन्वर्ट ना हो सके, ठीक है, तो वो क्या लेंगे नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा इन पर्टिकुलर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट आर एज फॉलो। अच्छा इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम व्हिच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ड्राइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये वो एसेट की डेफिनेशन है जो हम कंट्रोल करते हैं और उनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं। इट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। इट इज आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल। अच्छा इसमें गुडविल की बात नहीं होती, गुडविल के अलावा बात करें, सही है, गुडविल पे अलग आइए सर, तो यहां हम बात करेंगे गुडविल के अलावा। अच्छा द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज दैट द एसेट मीट्स। तो इंटेंजिबल एसेट कैसे कब रिकॉर्ड करेंगे, पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ऊपर दी हुई है एंड द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा एज विद एनी एसेट इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिलायबल मेजरमेंट। ठीक है, रिलायबली उसकी कॉस्ट मेजर हो सके एंड इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की आप जो कॉस्ट है इजीली मेजर कर सके और जो फ्यूचर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, और ये प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिसीव्ड ओवर द, और इससे प्रोबेबल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, पॉसिबल की मीनिंग क्या होता है, एक होता है पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होता है 50-50 चांस, हम बता रहे पॉसिबल यूज करते हैं जहां 50-50 चांस हो, और प्रोबेबल यूज होता है जहां मोर देन 50% चांस, यानी कि 51-95% चांस, मोर देन 50 वहां टर्म यूज होती है प्रोबेबल। ठीक है, तो और बात की मतलब मोर देन 50% चांस हो कि उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, तो तब आपने एक एसेट को एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही होता है। तब यहाँ पे इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइसेंस पेटेंट्स ब्रांड्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स फ्रेंचाइज, ये सब क्या आपका इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। फ्रेंचाइज जैसे ये मोबाइल फ्रेंचाइज होती है, ब्रांच कह सकते हैं ना, मोबाइल फ्रेंचाइज नहीं होती ये कंपनी की, मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, ये सब क्या फ्रेंचाइज कहलाते हैं, जिसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फर्क होता है, ब्रांच ब्रांच आप खुद खोलते हैं, फ्रेंचाइज आपने किसी को लाइसेंस दे दिया दुकान खोलने, उसको फ्रेंचाइज, उसकी पेमेंट लेते हैं आप फिर, और फिर उसके एनुअल फीस वगैरह भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकता है, बहुत सारी सेटिंग्स होती है। ऐसे आप टीएसए की आप ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, हमने आपको लाइसेंस दिया
आपने अपना एक सेटअप लगाया, उसकी हम आपसे पहले फीस ले लेंगे कि भाई आप टीएसए के नाम से खोल लें। फिर एक अरेंजमेंट हो सकता है, अभी हमसे कहेंगे पर स्टूडेंट आपको 5,000 देने हैं, हमें वो लेते हैं लाइफ टाइम, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको फ्रेंचाइज कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को, जैसे अभी स्कूल्स हैं, इतने स्कूल्स खोल रहे हैं, तो वो ब्रांच नहीं है, वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं, आप ले लें, आप भी खोल लें, आप भी खोल लें, आप भी खोल लें, जो चेक करें। जैसे कौन कौन से स्मार्ट स्कूल आजकल खुला था सिटी स्कूल वालों का, एक और कौन सा है, तो नए खुले, इसी तरह थे स्मार्ट स्कूल तो पता मुझे, वो फ्रेंचाइजी है, एजुकेटर है, तो एक वो है मकाल सिटी स्कूल वाले और शायद दूसरे बीकन हाउस वाले मकान, है ना, ये उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, बस अपना नाम बेच रहे हैं, खोले जाओ खोलते जाओ, कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, बस नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेंचाइज कहते हैं उसको। अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे, ये यहाँ पे गलत जगह पे दिया हुआ पैराग्राफ, आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है इस पे बात करेंगे डिटेल में। तो ये से यहाँ पे डिफरेंस ये है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट का, पढ़ लेते हैं। नॉर्मली है फिजिकल सब्सटेंस लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। डू नॉट नॉर्मली है फिजिकल सब्सटेंस कॉपीराइट्स, ये क्लियर हो गया। अच्छा नॉर्मली इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड, कॉस्ट इनकर करेंगे तो आपको एसेट मिलता है। अच्छा कैन बी परचेज्ड और मे बी क्रिएटेड विद इन द बिजनेस विदाउट एनी एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड, खरीद भी सकते हैं और खुद आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी गुडविल ब्रांड्स हो गया, आपका नाम, सही, उसके लिए पैसे नहीं लगते ना, दैट इज इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स होते हैं ना, सही। कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट इज कैपिटलाइज्ड, अच्छा इसका मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट इज कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज करना मतलब एज एन एसेट रिकॉर्ड करना, एसेट रिकॉर्ड करना, ठीक है। परचेज टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स आर, अच्छा ये पॉइंट याद रखिए, परचेज इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड, उसे हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। जनरली इंटरनली जनरेटेड एसेट्स मे नॉट बी कैपिटलाइज्ड, जैसे गुडविल की अगर हम बात करें, अभी कंसोलिडेशन हमने पढ़ा था, गुडविल रिकॉर्ड कर रहे थे ना, वो गुडविल क्या थी, पेरेंट्स जो है वो सब्सिडी में इन्वेस्ट करता था, सब्सिडी की गुडविल परचेज कर रहा था ना, तो वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वो गुडविल किसकी थी, सब्सिडी की, अपनी जो गुडविल होती है वो रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, आपका अपना एक नाम है मार्केट में, आपका ब्रांड, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। आती थी ना, तो कैलकुलेशन में आती है ना, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होते, राइट ऑफ भी तो होती थी फिर, याद है उसमें राइट ऑफ का भी ऑप्शन आता है ना, डिस्ट्रीब्यूट किए राइट ऑफ कर दिया खत्म, ठीक है। तो अपनी जो गुडविल होती है वो रिकॉर्ड नहीं करते, अगर परचेज गुडविल है वो रिकॉर्ड की जाती है, कोई बिजनेस आप खरीद रहे हैं उसके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बुक वैल्यू से ज्यादा, तो एक्सेस अमाउंट किस चीज का होता है, गुडविल का, जिस तरह कंसोलिडेशन में हमने देखा, तो वो जो गुडविल होती है वो किसकी होती है, पेरेंट की, सब्सिडियरी की, वो सब्सिडियरी की होती है, तो परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड होती है, आपकी अपनी गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, इसलिए कह रहे हैं परचेज्ड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड, जनरली इंटरनली जनरेटेड एसेट्स मे नॉट बी कैपिटलाइज्ड। डेप्रिसिएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ एसेट, डेप्रिशिएट होता है। अच्छा एमोर्टाइजेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ कैपिटलाइज्ड एसेट, इनटेंजिबल भी डेप्रिशिएट होंगे, इसके लिए टर्म क्या यूज होती है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। जैसे आप लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर रिन्यू करवाएंगे, फिर रिन्यू करवाएंगे, फिर तो डेप्रिशिएट होगा ना, सही, इस तरह। ये इसके एग्जांपल्स हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइज, ये सब क्या होते हैं, आपके राइट्स होते हैं ना, ठीक है, गुडविल के अलावा। अच्छा इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी डेवलपमेंट कॉस्ट को, तो पढ़ेंगे अभी, ये लिखता है कि विलेज लिमिटेड परचेज अ पेटेंट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स फॉर 20,000 ऑन January 1, 2009, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड। जनवरी में हमने खरीदे पेटेंट्स और दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा 10 ईयर के लिए, तो इसको आप 10 ईयर से डिवाइड करेंगे, तो हर साल 2,000 एज एन एक्सपेंस चार्ज होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट में एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज होंगे 2,000 और बैलेंस शीट में पेटेंट्स रिकॉर्ड होंगे 18,000, सही।
अच्छा, बीएस का मेन पार्ट है जिसको हमें पढ़ना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये सर डिट मेनली इसी के ऊपर। रिसर्च क्या होती है और क्यों करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनाने के रिसर्च लिए का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च करते हैं पहले कि ये बन सकती है नहीं बन सकती, और कोई नॉलेज गेन करने के लिए ये काम हो सकता है नहीं हो सकता, ये काम कैसे हो रहा है ना, अपना सेल्स भी ज्यादा करने के रिसर्च रिसर्च करेंगे आप थोड़ी कि कौन ठीक है, कहाँ की सेल करें, किस तरह सेल करें, कौन किस से एरिया प्राइस में पे, ज्यादा कौन से एरिया में, तो आपके प्रोडक्ट ठीक है। यानी कि करते रिसर्च हैं। किस लिए करते हैं, ताकि न्यू नॉलेज आपको गेन हो ना, न्यू नॉलेज नई अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, ठीक है। अच्छा, तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट उस किसको डेवलप करना, नहीं जो रिसर्च करके जो आपको नॉलेज मिली फिर उसको जब आप अप्लाई करेंगे, उसको जब अप्लाई करेंगे वो डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स डेवलपमेंट। आप बनाने जा रहे हैं मोबाइल फोन, पहले कीपैड वाले आते थे, अब टच स्क्रीन, तो पहले क्या एक रिसर्च की गई होगी कि टच स्क्रीन बन सकती है नहीं बन सकती, तो मिला यस बन सकती है, फिर आपने उसको बनाना शुरू किया, तो वो क्या है, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बन के आ गए ना, ठीक है। इस तरह से होता है, पहले रिसर्च की जाती है ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, जब रिजल्ट ओके होता है तो फिर आप उसको बनाना शुरू करते हैं ना, बनाते हैं नई चीजें, इसी तरह इन्वेंट होती हैं, पहले रिसर्च होती है सालों चलती है, फिर आपके रिजल्ट आते हैं, फिर आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो डेवलपमेंट। अच्छा, IS-38 कंटेन्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें जो बात हम करेंगे उसके कंटेंट क्या, रिसर्च हो या डेवलपमेंट, दोनों पे कॉस्ट इनकर होती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उस पर बात करेंगे इसमें, ठीक है, कि उसको आपने एसेट रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, अमोर्टाइज करना है, क्या करना है। IS-38 कंटेन्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बिफोर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड। ISRT defines research as the original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. ये रिसर्च हो गई। अच्छा, इसके बाद अब डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई नई चीज बनाए, पुरानी चीज को आपने डेवलप कर लिया, इम्प्रूवमेंट लिया उसके अंदर। जैसे गाड़ी की बात करें, पहले गाड़ियां कैसी आती थी और अब गाड़ी में कितने डेवलपमेंट आ गई है ना, स्पीड बढ़ गई, डिजाइन, शेप, उसकी स्पीड, फिर वो जो फ्यूल फीचर्स एवरेज, फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं ना नए नए, तो वो कैसे आ रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट से ही ना, कि आप अपनी पुरानी एक ही प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे हैं। पहले जहाज कैसा था, जो पहला जहाज बना था, और आज के जहाज कैसे हैं, तो वो क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, नए नए फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये चीज, तो जरूरी नहीं कि नई चीज बनाए, पुरानी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी आपके सामने जैसे लगे हुए, पहले क्या होता था, विंडो वाले थे, फिर ये स्प्लिट आ गए, फिर इसमें भी अब वो कौन से आ रहे हैं, इन्वर्टर वाले आ गए, हाँ, तो एक जिद्दत आ रही है ना, इम्प्रूवमेंट आ रही है, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए, ठीक। गाड़ी पहले आती थी पेट्रोल पे चलती थी, अब वो बैटरी पर हाइब्रिड हो गई है, और अब कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रिक आ जाएंगी कार्स, आपकी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा, तो क्या इंप्रूव मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम और सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होगी, सही। अच्छा, डिफरेंस समझ आ गया, रिसर्च क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। रिसर्च हम करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, और उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेवलपमेंट हो जाएगी, सही। अच्छा, रिसर्च जो भी कॉस्ट इनकर होती है, डेवलपमेंट में भी कॉस्ट इनकर होती है, अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा उसको बात करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हेन एन एंटिटी अंडरटेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट विल, दैट इज इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, सही। अकाउंटिंग इश्यू इज देयरफॉर वेदर दीज कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट
on the statement of financial position to match against future benefits arise. ठीक है, तो एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हमें उससे अमोर्टाइज भी करना पड़ता है, इसी की बात हो रही है। चलो रिसर्च की बात करते हैं। पहले आपका क्या ख्याल है, रिसर्च तो कॉस्ट इनकर होगी, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्सपेंस चार्ज करें या एसेट रिकॉर्ड करें, कैपिटलाइज करें? एक्सपेंस क्यों? हर दफा सही रिजल्ट थोड़ी आता है, रिसर्च आपकी फ्लॉप भी होती है, ज्यादातर फ्लॉप ही होती है, सक्सेस तो काफी टाइम बाद मिलती है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज है, देखें रिसर्च एक तो नॉर्मली क्या होता है, आपकी फ्लॉप होती है, कई बार आप रिसर्च करते हैं तब कहीं जाके आपको रिजल्ट मिलता है नहीं। हाँ मतलब इसको रिसर्च पे जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसको हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, एक्सपेंस, जिस साल इनकर्ड होगी उसी साल एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों, वजह क्या है कि इसको हम एक्सपेंस क्यों चार्ज करते हैं, राइट ऑफ क्यों करते हैं, एसेट रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, कैपिटलाइज क्यों नहीं करते? तो उसके एक रीजन तो ये है, रिसर्च नॉर्मली फ्लॉप होती है तो उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ना, तो फ्यूचर बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो उसको फिर कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज नहीं कर सकते ना, जिस साल कॉस्ट इनकर हुई इसी साल राइट ऑफ कर दिया, एक्सपेंस चार्ज कर। अच्छा अब अगर सक्सेसफुल भी हो गई तो भी आपको देखें सिर्फ रिसर्च करके अगर आप बैठ जाए तो क्या कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? जब तक के डेवलप नहीं करेंगे आपको फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलते। आपने एक नॉलेज गेन कर ली भाई कि जैसे गाड़ी है कि हाइब्रिड कार बन सकती है, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट किया आपने, रिसर्च की और रिजल्ट निकला कि हाइब्रिड कार बन सकती है, अब आप बैठ गए, अब बना ही नहीं रहा, फायदा क्या आपकी रिसर्च में, कोई बेनिफिट मिलेगा? सही है, तो रिसर्च से आपको डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए आप उसको एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। दो रीजन होगी तो लॉस होता है नॉर्मली, और प्रूडेंस क्या कहते हैं, ठीक है, और वो तो हुई गया बल्कि एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा देखिए, ऑल रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी रिटन ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट इट इज इनकर्ड, दिस इज इन कंप्लायंस विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस क्या कहता है कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक रियलाइज ना हो जाओ। रिसर्च नॉर्मली आपकी फ्लॉप होती है, कई बार रिसर्च करने के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि फ्लॉप होगी, लॉस होगा, इसलिए उसी साल हम एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। ठीक, अच्छा रिसर्च एक्सपेंडिचर डज नॉट डायरेक्टली लीड टू फ्यूचर बेनिफिट भी नहीं मिलते, एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट कि उसको आप अमोर्टाइज करें हर साल। ठीक, जो बेनिफिट ही नहीं है तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अच्छा एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इक्विपमेंट, अच्छा रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी कि यहाँ बैठ के आपने एक्सपेरिमेंट करने, कोई आपने गाड़ी खरीदी, कोई और इक्विपमेंट खरीदी, जैसे जंगल में निकल गए आप जानवर पर रिसर्च करने तो गाड़ी चाहिए आपको, कैमरा चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए ना, राइट। तो अगर कोई एसेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज एंड डेप्रिशिएटेड एज नॉर्मल इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस, तो उसे तो आपने एसेट रिकॉर्ड करना और डेप्रिशिएट करना है, यानी रिसर्च के लिए अगर कोई टेंजिबल एसेट आप बाय करते हैं तो वो एसेट ही रिकॉर्ड होगा और उसको आपने नॉर्मल वे में डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, अच्छा आपने की एक्स्ट्रा अलग से कोई बिल्डिंग बनाई गेस्ट में बैठ कर रिसर्च करेंगे तो वो बिल्डिंग आपका एसेट ही है। आपने कोई गाड़ी खरीदी उसके लिए वो भी एसेट है, और कोई इक्विपमेंट खरीदे वो भी एसेट होंगे, सब टेंशन। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई रिसर्च, चलते हैं डेवलपमेंट। According to IAS 38, intangible assets development cost must be capitalized as an intangible asset if they meet the definition of an intangible asset, जो ऊपर हमने पढ़ी अभी, and also meet recognition criteria. अभी criteria क्या है? Typically this will be apply if the following criteria are met. अच्छा, अच्छा इसमें क्या किया इसने? ये पुराना edition है, नए edition में इसने points change किए हैं। आपके पास वाले पॉइंट्स होंगे तो ये नए पॉइंट्स हैं बीबीबी के टैक्स में, तो वो पॉइंट्स मैं आपको बीबीबी के टैक्स से करवा देता हूँ, बाकी भी रिसर्च में सब पढ़ते हैं। अच्छा इसने बेवकूफी भी क्या किया पता है, कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ पे इसने शॉर्टकट बनाया इसको याद रखने का तरीका, ये खाली इसने ये लिखा हुआ है सेक्टर, इन्हीं पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे ना, होते ना पहला लेटर उठाया एस ई सी, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, इसने अब क्या किया न्यू एडिशन में इसको चेंज किया है,
और ये बीबी वाले ने पहले दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं जो पॉइंट्स अब आपको कैप्लान में भी मिलेंगे। इसने क्या बनाया इसको, पायरेट, ठीक है। क्या बना शॉर्टकट इसका बनता है, पायरेट, TIRATE। कैसे कि पहला पॉइंट क्या देता है, एंटिटी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, ये द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया RS फॉलोस, वही वाला क्या है, P। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट, हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मार्केट और बाय हु, हाउ द एसेट विल बी यूजफुल टू द बिजनेस इफ इट इज टू बी यूज इंटरनली। यानी कि जो आपको फ्यूचर बेनिफिट किस तरह से आपको मिलने हैं, जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि वो जो एसेट है क्या उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट, मतलब इस बात के मोर देन 50% चांस हो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, प्रोबेबल, ठीक है। अच्छा, सेकंड, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट, आपकी इंटेंशन हो से कंप्लीट करने की। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्यूएट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कम, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्ट होगा द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू कम्प्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। इसको कम्प्लीट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। रिसोर्सेज कैसी, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या आप उसको, मेन रिसोर्स तो फाइनेंस है ना, फाइनेंस होगा तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बगैर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेन आपका क्या, फाइनेंस आपके पास और टेक्निकल नॉ टेक्नोलॉजी मौजूद हो कि आप उसको डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। फिर क्या है, इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, तो वो जो एसेट आप डेवलप करेंगे क्या वो मार्केट में सेल हो सकता है या आप खुद यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर यूज ही नहीं है और सेल भी नहीं हो रहा तो फिर वो किस काम आएगा, फायदा नहीं उसको बनाने का, ठीक है। एबिलिटी टू यूज और सेल, ये हो गया। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल, ठीक है। टेक्निकली फिजिबल भी हो कि उसको आप यूज कर सकें, टेक्नोलॉजी मौजूद हो, जैसे आपने एक अभी जैसे 5G है ना, 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई, अभी नहीं है, 4G है ना, क्योंकि अभी क्या है उसकी यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो उसके लिए पहले क्या इक्विपमेंट्स आई होंगी, टावर्स लगेंगे, बूस्टर्स लगते हैं, क्या क्या जो भी सेटअप होता है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकेंगे, एक हार्डवेयर चाहिए उसके लिए आपको, ठीक। इसी तरह से आपने गाड़ी बना ली हाइब्रिड, आपके पास बैटरी नहीं है, बैटरी बनाने वाली तो कंपनी होनी चाहिए ना जो बैटरी बना के देगी, तो आप गाड़ी में लगा के उसको चला सके, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसको चलाने की, सही। और क्या, इस एबिलिटी टू मेजर द रिलायबली द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर आप रिलायबली मेजर कर सके, जो भी एक्सपेंस उस पर कर रहे हैं वो रिलायबली मेजर हो सके कि आपकी कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। तो ये बनता है, प्रोबेबल हो कि फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, आपके इंटेंशन हो उसको कंप्लीट करने या सेल करके यूज करने की, रिलायबल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, आपकी एबिलिटी हो उसको यूज या सेल करने की, टेक्निकली फिजिबल हो और एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर हो सके, तब आप डेवलपमेंट कॉस्ट को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पर क्या किया, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया, पॉइंट वही है, देखें, इट इज फिजिबली टेक्निकली फिजिबल, एक पॉइंट आ गया, ये लास्ट वाला था ना, ये वाला, देयर इज इंटेंशन टू कंप्लीट, याद है ना, एबिलिटी टू, ये इंटेंशन टू कंप्लीट, ठीक है, देयर इज एबिलिटी टू यूज और सेल, ये एबिलिटी वाला आ गया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट वही है, बस वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे, एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट टू सेल either the asset or itself or its output, ये product market में sale हो सके, ठीक है। There is adequate technical financial resources आ गई, ठीक ठीक है, the resources available होनी चाहिए आपके पास, और their ability to measure expenditure incurred during the entire, वही points है, बस highlight करके बता दिए इसने, ऐसे ही लिख दिए। बाकी इसका जो नया edition है उसमें उसने और अच्छा किया है, पहला point है तो उसका पहला letter P है,
पॉइंट का पहला लेटर आई आर ए टी ई, इस ऑर्डर में उसने अरेंज किया है कि पूरा एक पायरेट बन जाता है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सही है। अच्छा, तो ये पॉइंट्स हैं, ये जब पूरे होंगे सारे पॉइंट्स, तब आप डेवलपमेंट कॉस्ट को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते। क्या अबव क्राइटेरिया नॉट मेट, अच्छा ऐसा नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, तो उसको आप राइट ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिटन ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज इट इज इनकर्ड। अच्छा, इफ रिसर्च एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली बी रीइंस्टेटेड एज एन एसेट। एक बार आपने राइट ऑफ कर दिया तो दोबारा उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं होंगे, रिवर्स नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक चीज और, अपने डेवलपमेंट शुरू की 50% काम हुआ, काम आपने किसी वजह से रोक दिया, फाइनेंस खत्म हो गया आपका, फर्ज कर ले पैसे खत्म, प्रोजेक्ट बंद हो गया, ताला लगा दिया आपने। ठीक है, अब क्या होगा उस पर जो कॉस्ट लगी 50%, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो तो एक्सपेंस चार्ज होगा, राइट ऑफ होगा। ठीक। अच्छा, कुछ टाइम के बाद, कुछ साल बाद, महीनों बाद आपके पास फिर से पैसे आ गए, कुछ सालों बाद फिर आपने उसको रिस्टार्ट किया और कंप्लीट कर लिया फर्दर 50% कॉस्ट लगा के। अच्छा, अब क्या ट्रीटमेंट होगा, एसेट रिकॉर्ड करेंगे कितने परसेंट, 100% से 50% से, 50% से। ठीक है, तो पहले वाले 50% कॉस्ट आपने एक्सपेंस चार्ज कर दी, राइट ऑफ, वो खत्म, वो रिस्टेट नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी, तो फर्दर 50% इनकर करेंगे, उसे आप एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, अब हमने सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट का मतलब कि आपने डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लिया, अब क्या होगा उसके बाद, तो वही अमोर्टाइजेशन होगी, जैसे डेप्रिसिएशन होती थी। एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, दिस एंश्योर्स दैट कॉस्ट आर मैच्ड टू द रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मैचिंग प्रिंसिपल वाली बात आ गई। अच्छा, एमोर्टाइजेशन शुड कमेंस, स्टार्ट कब से करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब से होगी, विद कमर्शियल प्रोडक्शन, जिस दिन से आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उस दिन से आपने उसको एमोर्टाइज करना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग होती है, सैंपल्स बन रहे होते हैं ना, तो वो पीरियड आपका एमोर्टाइजेशन, उस पीरियड की एमोर्टाइजेशन नहीं होगी, जिस दिन से आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उस दिन से हम उसे डेप्रिशिएट एमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड चार्ज ओवर द पीरियड व्हिच इज बिजनेस एक्सपेक्ट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट, मेन पॉइंट है स्टार्ट कब से करना है, जब से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। अच्छा, ईच प्रोडक्ट शुड बी रिव्यूड एट द ईयर एंड टू एंश्योर दैट, अच्छा यहाँ पे सेक्टर है, नई बुक में पायरेट मिलेगा आपको, क्राइटेरिया आर स्टिल मेट, हर ईयर एंड पे आपने रिव्यू करना है। अच्छा, दे आर नो लॉन्गर मेट, अगर वो पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, द प्रीवियसली कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिटन ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इमीडिएट। तीन साल आपने यूज किया, एमोर्टाइज करते, तीन साल बाद पता चला कि वो जो ऊपर क्राइटेरिया उसमें तो कोई दो पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू होगी उसको उसी साल राइट ऑफ करके खत्म कर। अच्छा, इफ अ पॉलिसी ऑफ कैपिटलाइजेशन इज अडॉप्टेड इट शुड बी अप्लाइड टू ऑल प्रोजेक्ट्स दैट मीट क्राइटेरिया। सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्या कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज फाइनाइट, यानी कि लिमिटेड लाइफ है। The capitalized development cost must be amortized once commercial exploitation begins. ठीक है? Amortization method used should reflect the pattern in which the asset economic benefits are consumed by the enterprise. जैसे हमने depreciation में बात की थी मैंने कि straight line method हम use करते हैं कि reducing use करते हैं, तो किन assets के लिए straight line बेहतर है, किन assets के लिए reducing balance method? कौन से एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन यूज करें, किन एसेट्स के लिए रिड्यूस करें, क्या ज्यादा है नहीं, मतलब उसकी लाइफ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, हां हां तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या देंगे, amortization method used should reflect the pattern in which asset economic benefits are consumed by the entity।
तो ये दोनों जगह अप्लाई होगा, टेंजिबल पे इनटेंजिबल पे। लेकिन वो एसेट जिनसे आपको सेम बेनिफिट मिल रहा है हर साल, उनके लिए स्ट्रेट लाइन, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। और जिन एसेट से स्टार्ट में बेनिफिट ज्यादा मिले बाद में बेनिफिट कम हो जाए तो उनके लिए रिड्यूसिंग। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग से सेम बेनिफिट मिलेगा, इसकी जो कैपेसिटी आज है वही कल है वही एंड तक रहेगी ना, सेम कैपेसिटी। ना इसमें चेयर ज्यादा होंगे ना चेयर कम हो रही है, ना ये एक्सपेंड हो रही है बिल्डिंग ना श्रिंक हो रही है, सेम कैपेसिटी है इस बिल्डिंग की। तो जितने स्टूडेंट्स आज आ रहे हैं उतने बाद में भी आएंगे, तो सेम बेनिफिट दे रही है बिल्डिंग हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये चेयर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1%, आज भी 1 है और होल लाइफ 1 ही रहेगी, ना ये रिड्यूस होगी ना एक्सपेंड होगी, ठीक। तो इसके लिए भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस, ठीक। अच्छा, मशीनरी की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो नई गाड़ी नई मशीन की परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी होती है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होती है, बाद में ऐसा ऐसा वो रिड्यूस होती है ना, तो उसके लिए बेहतर क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक। तो यहाँ भी हमें इसी चीज का ख्याल रखना है कि जो बेनिफिट है वो हर साल सेम मिल रहा है या डिक्लाइन आ रहा है उसमें, ठीक है। सेम बेनिफिट मिल रहा है तो स्ट्रेट लाइन, और हर साल अगर डिक्लाइन आ रहा है बेनिफिट में तो रिड्यूस। जैसे एक नई प्रोडक्ट आपने इन्वेंट की तो स्टार्ट में तो सेल ज्यादा होती है, पर आहिस्ता आहिस्ता उसके मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, और फिर कंपटीटर भी आ जाता है, तो फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड और कम। तो स्टार्ट में बेनिफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा, बाद में आपकी सेल थोड़ी कम होती जाएगी, प्रोडक्ट भी पुरानी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो फिर सेल कम हो जाती है। नई चीज आती है जब मार्केट में लोग ज्यादा खरीदते, नई डिवाइस को, नई टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाते हैं बहुत से लोग, जैसे कीपैड वाला मोबाइल था अब सब स्मार्टफोन पे आ गए, सही इस तरह से। अच्छा, इफ दैट पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली, अच्छा पैटर्न डिटरमाइन नहीं कर पा रहे आप कि सेम बेनिफिट मिलेगा या डिक्लाइन आएगा, तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये बात हो रही थी फाइनाइट लाइफ के साथ, लिमिटेड लाइफ। अच्छा, अगर लाइफ इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड लाइफ पता ही नहीं कितने साल चलेगी, फिर एमोर्टाइज नहीं करेंगे। जैसे लैंड की हमने बात की थी ना, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसके लाइफ इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड। तो इसी तरह अगर आपको कोई इनटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ इनफाइनाइट है तो उसको फिर एमोर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक। एन इनटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ शुड नॉट बी एमोर्टाइज्ड, सही है। एन एसेट हैज एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ इफ देयर इज नो फोर्सिएबल लिमिट टू द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज फॉर द बिजनेस, ठीक है। Instead, it should be subject to an annual impairment review. So, impairment आप पढ़ेंगे F7 में क्या होती है, ठीक है, इसका भी छोड़ देते, इतना डिटेल में बात नहीं करते इसमें। एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट, ब्राइट स्पार्क इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोजेक्ट दी विजेट, ये नाम है उसका, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ओवर अ 3 ईयर पीरियड, ठीक है, स्टार्टिंग 2006। ऑफ किया हुआ है, सर्दी लग रही थी क्या, ऑफ है, ऑफ किया हुआ, ऑन कर दो, गर्मी हो रही है, मंगा लेना ब्रेकर ऊपर करना, ऑफ रहने दें, ऑफ कर दीजिए। अच्छा, क्या है आपको रेवेन्यू दी हुई है, 4 ईयर तक ये रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा ये तो उसके रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज है, और ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम बजट है आपकी, 3 साल आपको प्रॉफिट या रेवेन्यू आ रहा है। डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है, 900, ठीक है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, शो हाउ द डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इफ कॉस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन, तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसको 2005 में ही एक्सपेंस चार्ज करता है, ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे, खत्म। कॉस्ट डू क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन एंड आर एमोर्टाइज ओवर अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो क्या होगा फिर, इसमें 3 साल है ना लाइफ, 3 साल बेनिफिट मिल रहा है तो 3 ईयर में डिवाइड कर देंगे, तो 300 पर ईयर एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, किस ईयर से चार्ज करेंगे, 5 से या 6 से, हाँ 6 से, क्यों, क्योंकि बेनिफिट 6 से मिल रहा है ना, 6 से मिल रहा है प्रोडक्शन आपकी, इसका मतलब 6 से स्टार्ट हुई है, तो जिस ईयर रेवेन्यू आएगा उस ईयर में एक्सपेंस चार्ज होंगे ना, तो 6, 7, 8 में हम 300 पर ईयर एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज करें,
ये इसका आंसर कुछ इस तरह होगा, पहला था डू नॉट क्वालिफाई, तो 5 में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, और अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर 2006 से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे जिसमें से हमें बेनिफिट मिल जाए। एक और एग्जांपल, अच्छा ये बताएं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कॉज, और ये बताएं रिसर्च और डेवलपमेंट का डिफरेंस है। आज इन्वेस्टिंग द वेदर अ पर्टिकुलर सस्टेंस फ्लेवर फाउंड इन अमेज़न रेनफॉरेस्ट, अच्छा ये रिसर्च है डेवलपमेंट है, रिसर्च है। टू न्यू वाटर प्रूफ एंड वेंडफुल मटीरियल दैट इज आइडिया दैट इट मे बी यूज फॉर स्की, अच्छा ये मटीरियल, ये डेवलपमेंट हो गई, कुछ मटीरियल बना लिया उसने, ठीक है। Applause company has founded chemical, ठीक है। C ये रिसर्च, जैसे एक नॉलेज मिली उसको ना, ये रिसर्च हो गई, ठीक है। ये पढ़े जी, प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल होता है ना सर, उसके लिए होता है मॉडल बनाया आपने, प्रोटोटाइप एक सैंपल, ये क्या होगा, ये डेवलपमेंट होगा ना, एक प्रोटोटाइप एक मॉडल आपने बना लिया, चाहिए। तो कौन सा था हमारा, 4 और 2 था ना, 4 और 2 तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन करते हैं, ड्यूरिंग द करंट ईयर डीप ब्लू सी डेवलप न्यू मटेरियल फ्रॉम विद द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट सूट विल बी मेड द स्पेशल मटेरियल विद श्योर स्विमर फॉर्मर इन द कॉस्ट इनकर्ड मीट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है जी, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। कितनी लाइफ है, 5 ईयर लाइफ है, फ्रॉम July 6 से स्टार्ट हो रहा है क्या, व्हाट इज द चार्ट, अच्छे बहुत सिंपल है, 250,000 है, 5 ईयर लाइफ है, तो 250,000 डिवाइडेड बाय 5, 50,000 पर ईयर, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाए, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, चलें इसको, चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, यहीं पे फिलहाल स्टॉप करते हैं, ठीक है, और फिर एक दो और आईएएस पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में।